हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेडीज़ दुनिया चैनल। आज ये रेसिपी कुछ अलग ही है और हटके है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये है कुकीज़, कॉफ़ी बीन कुकीज़ है। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत यूनिक है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर ले लिया है, 60 ml वाटर ले लिया है, बिल्कुल हॉट वाटर है। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ऐड करके इसे मिक्स करके साइड में रख दिया है। और यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून घी। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे शुगर पाउडर ऐड करते हुए जा रही हूँ। लगभग 5 से 6 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। जब तक मिलाना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और ऐसे टाइट सा अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। अच्छी तरीके से मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे डो की तरह या फिर मावा की तरह बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इस स्टेज में होने के बाद यहाँ पे हमने कॉफ़ी की जो मिक्सर रेडी करके रखा था इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिला देते हैं। और थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, 3 to 4 ड्रॉप्स। और यहाँ पे 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। इसे ऐड करने के बाद जस्ट मिक्स 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 अच्छी तरीके से मिलाना है और ऐसे डो जैसे रेडी करके रख देना है। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, इसीलिए है ये कोको कॉफ़ी बीन। कोको पाउडर से ये कॉफ़ी बीन की जो टेस्ट आता है और शेप भी हम दे के इसे कर देंगे। तो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ वीडियो के अंदर। इसे अच्छी तरीके से मिलाना है, हाथों से इसे मसल के अच्छी तरीके से कंबाइन कर देना है। अगर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, जो हमने कॉफ़ी की जो मिक्सर बना के रखा था उसके अंदर डाल के इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये रेडी हो चुका है। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया है लगभग आधा घंटे के लिए डो को। अब ये सेट हो चुका है और कढ़ाई भी गर्म है। फ्रिज में रखना ज़रूरी है। लगभग 25 to 30 मिनट्स इसके अंदर रख के फिर ये आसानी से हमें शेप में आ जाती है। ऐसे ऑयल शेप बना दिया है और ऐसे कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्लेट रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल या फिर घी डाल के स्प्रेड कर दे और थोड़ा सा सूखा आटा लगा दे और डस्ट कर दे, एक्सेस सूखा आटा को निकाल दे। और यहाँ पे जो हमने डो को रेडी करके रखा था ऐसे रखते हुए जाएंगे और बीच में इसे थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि ये कॉफ़ी बीन की जो शेप में आ जाए या फिर उस लुक पे ये दिख जाए। तो ऐसे मैंने कर दिया। प्री हीटेड कढ़ाई में मैं यहाँ पे रख रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के रिंग डाल के इसे मैंने 10 मिनट तक इसे प्री हीट कर दिया था। तो यहाँ पे रख के कवर करके इसे 10 मिनट तक बेक करेंगे। 10 मिनट हो चुका है, इसे मैं पलट रही हूँ। आप देख सकते हैं कॉफ़ी बीन की जो हमारी कुकीज़ है काफ़ी बड़ी साइज़ है, तो फिर ये टाइम बहुत ले रहा है। तो इसे मैंने और कवर करके 10 मिनट तक इसे बेक कर रही हूँ। फिर से टोटल 20 मिनट्स इसे बेक करना है या फिर 25 मिनट्स तक, ये आसानी से हो जाती है। इसे कूल करने के लिए मैं यहाँ पे इसे रैक के ऊपर रख रही हूँ। ठंडा होने के बाद इसे सर्व करेंगे। मैं यहाँ पे और बैचेस रेडी कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्यूट सा, थोड़ा सा उसके से ज़्यादा थोड़ा सा ये छोटा साइज़ में मैंने रेडी कर दिया है। बहुत ही क्यूट सा दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे भी हम सेम प्रोसीजर की सहायता से इसे बेक करेंगे। प्रीहीटेड ओवन बिना ओवन में हम यहाँ पे इस कुकीज़ को रेडी कर रहे हैं। तो फिर हर घर में आप इसे कुक कर सकते हैं। तो ये हो गया, दोनों साइड मैंने इसे कुक कर दिया है 10 मिनट्स पलट के। 10 मिनट फिर पहले रखते हैं वैसे 10 मिनट, टोटल 20 मिनट्स हमें इसे बेक करना है। तो ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। काफ़ी ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही क्यूट सा जो कुकीज़ है बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी भी लगता है, चॉकलेटी जो फील आता है। और मैं यहाँ पे इसकी जो क्रंचीनेस है आपको दिखा देती हूँ और खा के भी दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी और अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लेडीज़ दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।